Hey there, you're listening to The Quint. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। शिकवे शिकायतें उसी से की जाती हैं जिससे उम्मीद होती है। लेकिन ये बढ़ती हुई उम्मीदें ही होती हैं जो जब पूरी नहीं होती तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन जरा सोचें, ये कैसे मुमकिन है कि जिस दुनिया में इंसान के जीने के लिए इंसान की जरूरत होती है, तो अगर उससे उम्मीद नहीं बांधेंगे तो फिर किससे बांधेंगे, उससे शिकवा नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, क्योंकि शिकवा करना ही ताल्लुकात की परख होती है। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। आज इस एपिसोड में हमारा वर्ड है शिकवा, जिसका मतलब होता है शिकायतें, कंप्लेन, गिला। हम उर्दू शायरी का सहारा लेकर इस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से थीम पर आज बात करेंगे कि आखिर कितनी मकदार में उम्मीद लगाई जाए कि शिकवे की नौबत ही ना आए, और अगर किसी को किसी से कोई शिकवा ना हो तो क्या इसका मतलब ये होता है कि रिश्ता खत्म हो गया। वैसे जिस तरह मैंने बोला है उससे ऐसा लग रहा है जैसे शिकवा ऐसा पेचीदा इमोशन है जिसके लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ भी ना हो और सब खुश रहें। ऐसा होता नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वेल, उसका रीजन उर्दू के शायर जॉन एलिया बड़ी खूबसूरती से दे रहे हैं। वो लिखते हैं, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। अब यहाँ शायर शिकवे की जरूरत पर फोकस कर रहा है कि भाई जब तक तुम मुझसे कोई गिला नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता है, कोई रिश्ता है। बेसिकली शिकवा शिकायत ही होती है, लेकिन उसमें मोहब्बत और रंज का एक एलिमेंट होता है। शिकवा गुस्से वाली स्टेज भी नहीं होती बल्कि एक माइल्ड वार्निंग होती है कि भाई देखो तुम्हारे इस बिहेवियर से हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तुमसे बहुत उम्मीदें थी हमें जो तुम पूरी नहीं कर पाए हो। और शिकवा बेसिकली वार्निंग इसलिए है कि आप सामने वाले को कोर्स करेक्शन की हिदायत दे रहे हैं कि जो डैमेज हो सकता है उसे होने से रोक लो क्योंकि तुम हमें बहुत ही अजीज हो। एक और शेर है जिसमें यही बात है कि शिकवा अपनों ही से किया जाता है। चिराग हसन हसरत लिखते हैं, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हादी मछली शहरी लिखते हैं, तुम अजीज और तुम्हारा गम भी अजीज, तुम अजीज और तुम्हारा गम भी अजीज, किस से किसका गिला करे कोई। लेकिन और किस किस तरह, किन किन वजहों से शायरों ने शिकवे किए हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। जिगर मुरादाबादी लिखते हैं, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद, मैं शिकवा बलब था मुझे ये भी ना रहा याद, शायद के मेरे भूलने वाले ने किया याद। शिकवा बलब यानी शिकवे की बात लब पर लाना, माने शिकवे की बात करना। शायर कह रहा है कि मे बी जो मुझे भूल गया है उसे मेरी अब याद आ रही होगी, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी इस बात का शिकवा किया हो कि वो मुझे भूल गया है, तो अब वो मुझे क्यों याद कर रहा है। अब
अब इस गजल में साहिर लुधियानवी ऊपर वाले से शिकायत कर रहे हैं कि तूने गम इतने दे दिए हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिखते हैं, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं, वही आंसू वही आहें वही गम हैं जिधर जाएं। ये तो हेमंत कुमार का गाना है जो देवानंद हाउस नंबर 44 में गाते हैं। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं। आगे का मैं गाना नहीं गाऊंगी, आगे आपको बस रिसाइट करके बताती हूँ। आगे साहिर लिखते हैं, कोई तो ऐसा घर होता जहां से प्यार मिल जाता, कोई तो ऐसा घर होता जहां से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहां जाएं जिधर जाएं। अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके गर इधर से भी गुजर जाएं। अहमद फराज भी अपनी किस्मत से शिकवा कर रहे हैं कि मैं खुश तो हूँ लेकिन ये खुशी पहले क्यों नहीं मिली। वो लिखते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो शिकवा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी के साथ अपनायत का रिश्ता है, लेकिन जब ये उम्मीद के पौधे मुरझाने लगते हैं तो शिकवे भी कम होते होते खत्म होने लगते हैं। जॉन एलिया ही का एक और शेर है, वो लिखते हैं, दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। इसका मतलब है कि उम्मीदों के टूटने से इतनी तकलीफ है कि अब शिकवा करके भी दिल हल्का नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शिकवे या तो कोई सुनेगा नहीं या फिर सुन के भी अनसुनी कर देगा। इससे बेहतर यही है कि हम खून के घूंट पीते रहें, बर्दाश्त करते रहें। यानी शिकवा एक तरह का वेंटिंग आउट मैकेनिज्म है जिससे दिल हल्का हो जाता है और आप दिल की भड़ास भी उसी से निकालते हैं जो आपके बहुत करीब होता है। लेकिन जब कोई आपके करीब भी नहीं है, जब कोई आपको उतना अंडरस्टैंड भी नहीं करता है, तो ऐसे में हफीज जलंधरी ने एक बहुत सही बात कही है। वो लिखते हैं, क्यों हिजर के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है, क्यों हिजर के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है, अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। ये गजल मुझे बहुत पसंद है और इसका आखिरी शेर तो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें लिखते हैं, खैरात की जन्नत ठुकरा दे, खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, जन्नत से निकाला था जिसको, तू उस आदम का पोता है। यानी जो भी जन्नत तुझे बनानी है अपने बलबूते पे बना, खैरात की जन्नत की तुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तू आदम का पोता है, दुनिया उसी की औलाद से आबाद है। वाह वाह, महफिल लूट ली भाई, एक मिनट तालियां हो जाएं। कितनी नफासत से प्रिस्क्रिप्शन दे दी है ना हफीज जलंधरी ने, कि देखो इश्क इंसान से किया हो या किसी पर्सनल या प्रोफेशनल गोल से, दर्द के रोने मत रो क्योंकि इश्क में तो सब्र का ही दारोमदार है। सब्र यानी पेशेंस से काम लो, पेशेंस इनएक्शन नहीं होता बल्कि माइंडफुल एक्शन होता है। और उर्दू नामा का पूरा एक एपिसोड सब्र के ऊपर मैंने बनाया था, वो आप स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जरूर सुनिएगा। तो शिकवा जरूरी है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि शिकवा शिकायतें ज्यादा हो रही हैं, बार बार हम कंप्लेन ही करे जा रहे हैं, तो खुद से जरूर पूछिएगा कि कहीं आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, कहीं आप ही तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्लेन करता है वो खुद को हमेशा सही समझता है। पर जस्ट डोंट बीट योरसेल्फ अप कि आपने इतनी उम्मीदें क्यों लगाई, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ सही हो मुमकिन भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। जिंदगी बहुत ही सिंपल होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो गो इजी ऑन योरसेल्फ एंड टेक केयर। मैं हूँ फबेहा सैयद और आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, लेकिन जाते जाते उशोसी पाल का ये गाना आपके लिए दोबारा से प्ले कर रही हूँ। I'll see you again very soon. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना।
शिकवा